Good morning, friends. Today we will once again continue with Kirchhoff's rules. Yesterday I have explained you about the Kirchhoff's current law, KCL. And today we will start with the Kirchhoff's voltage law. It is also called as KVL, the short form. So yesterday we have learned that the algebraic sum of the current at any junction is always zero. That is, if we are considering the current approaching the junction to be positive, then current leaving the junction will be negative. So whatever the current approaching the junction, the same will be the current leaving the junction. So total value of the current approaching the junction will be equal to total value of current leaving the junction. Now we will go for the voltage rule. Voltage rule is you also note down because it's very important. इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. सम ऑफ द पोटेंशियल्स अक्रॉस द सर्किट कॉम्पोनेंट्स सम ऑफ द पोटेंशियल्स अक्रॉस द सर्किट कॉम्पोनेंट्स ओवर a complete loop is always zero. So sum of the potential across the circuit components is always equal to zero over a complete loop. So what is the meaning of the loop? For example, I have taken a battery. It's a switch. और यहां पे दो रेजिस्टर है, तो मैंने अगर लूप कंसीडर किया ए बी सी डी, तो मैं क्या लूप कंसीडर करूंगा? लूप ए बी सी डी. ए मतलब ए से चालू किया, ऐसे जाके सी से डी के आगे आके फिर से ए. ओके, सो यहां पे आपको इफ यू आर टेकिंग दिस टोटल इज इक्वल टू जीरो, देन यू कैन राइट दिस टोटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू जीरो. तो कैसे लिखने का? इसको सोचो, इसको बोला मैंने आर वन, दिस आई हैव कॉल्ड एज आर टू. तो आपको मालूम है यहां से करंट कितना जाएगा? R जाएगा. तो R1 के अक्रॉस सपोज मैंने लिख दिया पोटेंशियल ड्रॉप इज V1, R2 के अक्रॉस मैंने लिख दिया पोटेंशियल ड्रॉप टू बी V2. ओके, तो मैंने लिख दिया V1 इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1. V2 को क्या बोलता हूं मैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R. V1 को लिख दिया मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1, V2 को लिख दिया मैंने पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2, और V को बता देता हूं V इज द अप्लाइड पोटेंशियल. तो यहां पे क्या करने का है? यहां पे आपको दो रूल याद करने का है. आपको क्या याद करने का है? दो रूल याद करने का. इसमें रूल वन क्या है आपका? रूल वन ऐसा है, रूल वन इज दैट, रूल वन में अगर आप देखो, आराम से ठीक से देखो, दिस इज योर लूप डायरेक्शन. एंड सपोज करंट इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एंड हियर आर है. आप ऐसे जा रहे हो, आपके लूप का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है. आपका करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है,
तो आपको ये जो है वो निगेटिव लेना है. क्या? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टर विल बी निगेटिव. तो अभी इसका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर कितना आएगा? ओहम्स लॉ यूज करो. ओहम्स लॉ यूज करने से आप लोगों को कहेंगे आई इंटू आर, तो ये बन जाएगा माइनस आई आर. समझ गए बेटा? तो अगर आप इफ यू आर गोइंग इन द लूप डिरेक्शन एंड करंट इज ऑल्सो सेम एज इन द लूप डिरेक्शन, सो द डिरेक्शन ऑफ द करंट इज सेम इन द लूप डिरेक्शन, देन द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी निगेटिव. उल्टा करने का, उसको निगेटिव लिखने का. जैसे हमने करंट के करंट अप्रोचिंग पॉजिटिव लिखा था, करंट लीविंग उसको निगेटिव लिखा था. लास्ट लेक्चर वी डिड दैट. सो हियर इफ द करंट इज इन द डिरेक्शन ऑफ द लूप, इफ द करंट इज इन द लूप डिरेक्शन, देन यूर पोटेंशियल ड्रॉप विल बी निगेटिव. एंड इफ इज करंट इफ इट इज इन द अपोजिट टू द लूप डिरेक्शन, ये मेरा लूप डिरेक्शन है. So if the current is opposite to the loop direction, then your potential drop will be positive. Here I will write plus IR. तो पहले हमने क्या सीखा? Sum of the potential across the circuit components over a complete loop is always zero. कैसे पता करते हैं? ये मैंने इस आपको करके दिखाया था. तो अगर हम करंट की डिरेक्शन में जा, करंट अपनी लूप की डिरेक्शन में जा रहा है तो निगेटिव आएगा पोटेंशियल ड्रॉप, और अगर करंट लूप की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे लेने का? पॉजिटिव लेने का. ये हो गया अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी कंपोनेंट. अगर हम देख रहे हैं कि अपना बैटरी है, तो रूल टू क्या बन जाएगा फॉर बैटरी? इफ वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो कहां से कहां जा रहे हैं? निगेटिव को जा रहे हैं, तो ये लेने का ऑलवेज निगेटिव. इफ वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, द डेस्टिनेशन साइन विल बी गिवन. सो गिव द डेस्टिनेशन साइन, गिव द साइन ऑफ डेस्टिनेशन. जो आपका डेस्टिनेशन है उसका साइन आपको देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इधर मैं लिखूंगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो मेरा साइन आ जाएगा पॉजिटिव. माय साइन विल कम पॉजिटिव. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ऐसे हम इसको यूज करते हैं. अभी प्रैक्टिकली कैसे करना है वो फिर से अभी करके दिखाते हैं. इसको नोट डाउन करो, ये रूल मैं आपको बना के देता हूँ. ओके, तो पहले हम रूल बना के लेते हैं. सो नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केवीएल में. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर केवीएल. सो इफ द करंट इज इन द direction of loop, then potential drop is taken as positive and vice versa. Matlab, if the current is in the opposite direction of the loop, then the potential drop is taken as positive. पहले अगर same direction है तो sorry positive नहीं negative है. Same direction में negative, opposite में positive. दूसरा, the sign will be given for the destination sign while crossing any cell or battery. मतलब अगर we are going from positive to negative, we will give it negative. If we are going from negative to positive, we will give it positive. ये तो बहुत बड़ा फंडा है. ये फंडा अगर आप ध्यान में रखो
तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कभी हम देखते हैं क्या करने का। तो ये दो रूल आपके पास लिख के रखो। इसका फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखने का है, फॉर एग्जाम्पल एक आपको बता के रखता हूं मैं। ओके, तो एक आपको मैं बताता हूं, इस पॉइंट को बोलो ए। अभी एक इधर बैटरी रखो और इधर एक रेजिस्टर रखो, इधर लिखो पी। तो मेरा लूप डायरेक्शन सपोज ऐसे जा रहा हूं, तो बैटरी का करंट कैसे जाएगा? अभी यहां पे सपोज इसको लिखता हूं मैं वी, तो यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस। तो करंट कैसे आएगा? करंट यहां पे ऐसा डायरेक्शन आएगा, मतलब यहां से करंट का डायरेक्शन ऐसे आ गया, क्योंकि करंट बैटरी की तरफ आएगा। तो इसको अगर मैं आई लिख दूं, इसको भी आई लिख दूं, तो अभी कैसे हो जाएगा देखो। इधर मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाता हूं। आई विल मेक द इक्वेशन फॉर यू। इक्वेशन विल बी, देखो यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, वी ए। अभी अभी बीच में बैटरी आया, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो मैंने लिखा वी ए माइनस वी, माइनस वी, ये इसको आर बोला। करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन से, उसको अगर सेम डायरेक्शन है तो निगेटिव, अपोजिट है तो पॉजिटिव। तो मैं क्या बताऊंगा इसको, प्लस आई आर, और अगर इसको स्टार्टिंग को पॉजिटिव लिया तो एंडिंग को निगेटिव, वी इज इक्वल टू जीरो। आर गेटिंग माय पॉइंट? और ऑफ कोर्स ये वी ए और वी बी अगर हम लूप लेते हैं तो वो कंप्लीट लूप होता है, लूप लेते हैं तो कंप्लीट लूप होता है। तो ये वी ए माइनस वी बी तो अपना जीरो ही हो जाता है, क्योंकि ये और ये पोटेंशियल सेम रखा जाता है, वैल्यू मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिखने के लिए माइनस वी प्लस आई आर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, v को इधर लिखा तो v विल बी इक्वल टू आई आर। फिर से हमने ओहम्स लॉ को प्रूव किया। हाँ, आई नो दैट हियर आई हैव नॉट कंसिडर्ड अबाउट वन क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, बट अभी आपको हुआ ही नहीं है, अभी आपको पढ़ाया गया नहीं है। तो जहां पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे उस टाइम इस सिंबल में थोड़ा सा चेंज करके I will add over there the internal resistance, बैटरी का खुद का resistance, जो दिखता नहीं है सर्किट में, नहीं दिखता है आपको, प्रैक्टिकली दिखता नहीं है, लेकिन अपन को लेना पड़ता है, we have to take that, so that we will study later. तो अभी के लिए अगर ये सिचुएशन है तो हम ले लेंगे माइनस वी, और ये करंट अपोजिट में उसको ले लेंगे प्लस। अगर आपका सिचुएशन ऐसा हो जाता है, नहीं तो इधर ही, अगर मैं B से एक A में जाऊं, here I am going from A to B, तो अगर मैं B to A जाऊं, अगर मैं B to A जाता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, करंट अभी लूप डायरेक्शन सेम बन जाएगा, यहां पे ऐसे बन जाएगा, तो करंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लूप, सो आई विल राइट माइनस आई आर, और यहां पे माइनस टू प्लस जाओगे, निगेटिव टू पॉजिटिव, सो प्लस वी इज इक्वल टू जीरो। अगेन आई विल गेट सेम वी इज इक्वल टू आई आर, अगेन आई विल गेट वी इज इक्वल टू आई आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So this is very important. So let me take the overview. ये भी आपको अगर लिखना है तो आप note down कर सकते हो. You may note down that and it's very important. Okay? I hope you understood. We'll start with the next. ये pause कर लो इसको, इसको लिख के डालो, बाद में आगे का देखो lecture. सिंपल का सिंपल सा एक आपको दिखाने के लिए, कल भी दिखाया था मैंने, ऐसा नहीं है, कल भी आपको मैंने वो दिखाया था। ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट वी विल डू, दैट वाज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द केवीएल एंड केसीएल। सो वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स आल्सो रिगार्डिंग टू केवीएल एंड केसीएल। ओके, बट बिफोर दैट द मिक्स ग्रुपिंग आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, now we will have the overview about all the things. So, हमने अभी क्या क्या देखना है? अभी हमको देखना है कॉम्ब
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कल का होमवर्क भी देखना है परसों का, ओके? वो शायद आपको पूछा होगा, फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि वो दिया था मैंने, ओके? आई विल आस्क टुडे इफ आई हैव नॉट आस्क्ड ऑन दैट सैटरडे, ओके? आई मे आस्क अगेन, सो यू बी रेडी। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी शोन मी सम होमवर्क, बट द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट सेंडिंग मी द पिक्स। ऐसा नहीं है बेटा कि मैंने आपको नाम लेना चाहिए आपका, ले लो दक्ष मेरे को ये भेज दो, स्नैप भेज दो, शर्वरी मेरे को स्नैप भेज दो, ऐसा मतलब किसी का नाम लेना मतलब ऐसा नहीं लगता है। आप ही अपने आप से मेरे को सेंड कर सकते हैं, सर मैंने ये सॉल्व किया है, सर आई हैव सॉल्व इट, सर मैंने सॉल्व के लिए, जस्ट सी दैट। सो यू मे सेंड ऑन योर ओन, सो दैट विल मेक सम गुड डीलिंग विथ यू एंड मी, डीलिंग फॉर द स्टडीज, नॉट डीलिंग मीन्स good relation between you and me, because lastly we both, you people and me, we have to study for the exam, means for me to teach you and for you to study, so like this. So try to keep the good relation by sending your homework, so that I'll be also pleased that my students are doing the homework. Kya hota hai beta, itna sikhate hai, koi pics nahi bhejta hai, to kya hota hai, abhi to hum just we are teaching to the walls like that. It happens. If you are giving me good reply, then I will not feel that I am teaching to the walls. I will think that right now also I am thinking that all the students are in front of me. I can recognize the faces of all the students. So like that. So try to give your feedback. Feedback means whatever it is, their pics you have to send, homework you have to see, whatever has told by sir, your doubts also. So try to do that. So combination of resistors, simple and mixed grouping. तो आपको पहले मैं आज छोटा छोटा होमवर्क दे के रख, तो ये होमवर्क आपको करना होगा। इसके साथ साथ आफ्टर दिस लेक्चर आई एम थिंकिंग टू प्लान यूर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन ऑल्सो इफ पॉसिबल, अदरवाइज on next day I will take that, but I have to take the problem solving session also. So homework 1 ye le lo, direct karo, ekdam simple hai, aisa kuch nahi hai. Find R A B, मतलब A और B के बीच में कितना है, ये होमवर्क 1 ले लो। होमवर्क 2, यहाँ पे कैसे है ये मैंने कल आपको बताया है, ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कल स्क्वायर का, तो ये दो प्रॉब्लम आप जस्ट सॉल्व करो डायरेक्टली, जस्ट नजर डाल के उसको आप कर सकते हैं, समझ गया? तो ये थोड़ा सा आप करो, होमवर्क 2 है आपको सॉल्व करना है, जस्ट पॉज इट, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ओके? किया नोट डाउन, ओके आगे चलते हैं। सो यस्टरडे आपको मैंने बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क भी बताया था, R1/R2, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर। कहीं पे भी आपको ऐसे प्रॉब्लम दिखे और जो वैल्यू आए तो उसको बोलने का बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क। इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, इसको बोलो 2, इसको बोलो 4,
follow 3. ओके इसको बोलो 6 ओम, इसको बोलो 10 ओम. तो इसी का अल्टरनेट डायग्राम कैसे बनेगा, तो मैं ऐसे बनाता हूँ अपना डिस्टेंस नेटवर्क जैसे हमने कैपेसिटर के लिए भी किया था. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट. और शैल आई राइट ओवर देयर? ओके ओके आई विल राइट ओवर देयर, नो प्रॉब्लम. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके और बीच में 10 ओहम आपको दिया है, तो यहाँ पे 4 ओहम. ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए के नीचे कितना है 2 ओहम, ऊपर 4 ओहम है, यहाँ पे 6 ओहम है, यहाँ पे 3 ओहम, यहाँ पे बी है. तो ये अपना सर्किट बन गया. तो अभी इसको आर वन बोलता हूँ, 4/2 वेदर इज इट इक्वल टू 6/3? Yes, 4/2 is equal to 6/3. 2 2's are 4, 3 2's are 6. So we can say that bridge is balanced. We can say that bridge is balanced. अगर bridge balance है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको हटाना पड़ेगा. Actually क्या होता है, इसको अगर मैंने x बोला और इसको मैंने y बोला, आपको ये बाद में आएगा लेकिन आपके पास लिख के रखो, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड देन एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल. अगर ब्रिज बैलेंस हो गया है तो एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इक्विपोटेंशियल, मतलब Vx is equal to Vy. Potential at x will be equal to potential at y. अगर दो पॉइंट के बीच में, अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल सेम है तो उनके बीच में करंट फ्लो नहीं होता है. इसको भी नोट डाउन करो. नोट डाउन कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो, इधर लिख के देता हूँ. इंपॉर्टेंट, If two points are equipotential, ठीक है आपको ठीक से लिख के देता हूँ इसको, आपको इसका गलती नहीं हो जाएगा. ओके आप तो गए, अभी तो बीच में इसको पॉज कर सकते हो, वो टाइम अपना कम हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या लिखने का, इफ टू पॉइंट्स आर इक्विपोटेंशियल देन नो करंट फ्लोज अक्रॉस देम. तो जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में अभी ये ए बन गया, ये बी बन गया, ये कितना था 4 ओहम, ये था 6 ओहम, ये था 2 ओहम, ये है 3 ओहम, ये है 10 ओहम, x एंड y. तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा. तो डायग्राम कैसे दिखेगा, हाउ द डायग्राम विल लुक, द डायग्राम विल लुक लाइक, इसको a लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपना 4 ओहम, यहाँ पे लिखते हैं अपना 6 ओहम. अगर बीच में करंट नहीं जा रहा है तो कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, उसको डिलीट किया. इसको बी लिखा, इसको 2 ओहम लिखा, इसको 3 ओहम लिखा, तो कितना बन जाएगा 4 और 6 का सीरीज, 4+6 10 ओहम, और ये 2 और 3 का सीरीज 2+3 5. सो आर ए बी कितना हो जाएगा 10 पैरेलल 5, that is 10 into 5 upon 10 plus 5, so 50/15, so 10/3, so answer will come 10/3 ohm.
इसमें बहुत सारे अलग अलग सी चीज़ें हैं उसमें आपको करना पड़ता है, मिक्स में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट आइडिया अबाउट द सॉल्विंग ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने देखा है मिक्स ग्रुपिंग के लिए बैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क कैसे करते हैं, और इसके बाद में अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है, अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है तो आपको क्या करना है, वो मैंने आपको पहले ही सिखाया है बेटा। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं है, सेकंड, इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, अगर ब्रिज आपका बैलेंस नहीं है, देन वी हैव टू यूज स्टार डेल्टा टेक्निक। मैंने आपको कैपेसिटर में ये पढ़ाया है स्टार डेल्टा टेक्निक। स्टार मतलब ऐसा, डेल्टा मतलब ऐसा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो यहाँ पे आपको अगर दिया है तो ये कन्वर्जन आप वीडियो में जाके देख लो, मेरा वीडियो है, शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। तो उस टाइम क्या होता है बेटा, ठीक से देख लो, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो अभी देखो 3/5 इज नॉट इक्वल टू 2/4 और 3/2 इज नॉट इक्वल टू 5/4। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे अगर ये 6 ओम का है तो यहाँ पे आपका ब्रिज बैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। तो किसी एक को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने वो सिखाया है। तो आई होप यू विल ट्राई फॉर दैट। सो ट्राई टू वॉच द प्रायर वीडियो ऑफ स्टार डेल्टा एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अभी वीडियो का मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन लास्ट क्लास में जब मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया था, मैं आज जाके देखता हूँ। सो ऑलरेडी आई वुड हैव आई थिंक प्रिपेयर्ड दैट, विच वीडियो इज दैट, दैट लिंक आई विल सेंड यू फॉर रेफरेंस, स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो वो वीडियो देख के आप ये बता सकते हैं। तो ये एक हो गया मिक्स ग्रुपिंग में आपको बैलेंस्ड डिस्टेंस, देन अनबैलेंस्ड डिस्टेंस नेटवर्क, देन जो मैंने पहले जो दिया है केस 1, 2, 3, 4, दोज ऑल केसेस यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड यूजिंग दोज केसेस यू कैन सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। ओके, तो अभी आई विल डिस्कस विद यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू गो थ्रू। तो आपको क्या क्या करना है, आपको आपके पास अगर बुक है तो बुक में से कौन सा भी बुक है, चाहे वो एररलेस हो, बीएम शर्मा हो, चाहे वो कौन सा भी सीईटी का बुक हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। उस बुक से आपको क्या क्या करना है, व्हाट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व, अभी तक क्या हुआ, तो पहले तो ओहम्स लॉ एंड वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ओहम के लॉ वी इज इक्वल आई आर और उसका कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड करंट डेंसिटी, जो मैंने ऑलरेडी लिया है, एक आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने परसों आई थिंक लिया है, ऑन फ्राइडे और ऑन थर्सडे, आई डोंट नो अबाउट ऑन फ्राइडे, इट मे बी। तो ऑन फ्राइडे आई हैव टेकन दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड करंट। नंबर 3 व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या करना है आपको, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, जो मैंने आपको कल परसों और नोट्स दिया है, नोट बना के दिया है, ये हुआ तो क्या हो जाएगा, ये हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर कंडक्टर को स्ट्रेच किया तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एंड
percentage change in that. तो आपको एक क्लियर कट पॉइंट बना के दे रहा हूं, इस पॉइंट का आपको स्टडी करना है. इसके बाद में आएगा आपका सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. और फिफ्थ वन क्या आएगा? कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर. तो बेटा आपने को ये पांच पॉइंट पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंपॉर्टेंट ही है. सब इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ नहीं. ये इंपॉर्टेंट नहीं तो बोलोगे सर मैंने इतना ही कर दिया, ये ऐसे नहीं. ऑल आर इंपॉर्टेंट. पहले क्या है? ओम्स लॉ, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट एंड करंट डेंसिटी. बाद में क्या है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस. सीरीज है, पैरेलल है, मिक्स ग्रुपिंग है और कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर भी है. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन आपके लिए अलग लिया जाएगा. मैं अभी आगे वाले पॉइंट पे जाता हूँ. दैट इज कॉल्ड एज द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान में रखो. ये एकदम मतलब आपको इसके आगे अगर जाना है तो ये तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे नहीं जा सकते. दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंट इट इज देयर. सो आई विल स्टार्ट विथ योर ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. सो विल स्टार्ट विथ दैट. EMF and internal resistance. तो पहले EMF क्या होता है देखते हैं. EMF असल में क्या होता है? What is EMF? EMF का full form क्या है? फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये क्या फोर्स है क्या? नहीं, बोलने के लिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको. ये फोर्स है क्या? नहीं है. तो सर ये क्या है? अगर फोर्स नहीं है तो ये क्या है? तो बता देते. एक्चुअली क्या होता है, आपकी बैटरी होती है, बैटरी में आपके टर्मिनल पॉजिटिव एंड निगेटिव, इलेक्ट्रोड एनोड एंड कैथोड, और बीच में क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है. और इसको मैंने किसी रेजिस्टर के डायरेक्ट उसको कनेक्ट किया, इसको आर. तो एक बार हम बैटरी के टर्मिनल को अगर वायर से जोड़ते हैं, इफ यू आर कनेक्टिंग द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ वायर इन अ सर्किट, देन व्हाट हैपेंस? चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल. ओके, तो इफ वी कनेक्ट द सेल इन द सर्किट, तो क्या हो जाएगा बेटा? अगर हम सर्किट में सेल कनेक्ट करते हैं देन चार्ज starts flowing, बराबर ना, charge starts flowing from one terminal to the other. Important. So if we connect the cell in the circuit, क्या हो जाएगा आपका? Charge start flowing from one terminal to another. तो ये टर्मिनल से ये टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेगा. अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू होता है तो क्या होता है? तो इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन टू फ्लो फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल से,
इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फ्लो नहीं हो सकता, इट इज नॉट लाइक दैट। आप अगर सोचोगे तो इलेक्ट्रॉन है वो तो हो जाएगा, नहीं हो सकता बेटा। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो नहीं हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो उसे फ्लो करना पड़ेगा। बैटरी हैज टू पुश द चार्ज टू गो फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। तो अगर बैटरी को वो चार्ज को पुश करना है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के लिए, तो बैटरी को करना पड़ेगा वर्क। तो किसी भी चीज को या इस पेन को मेरे को उठा के यहां से यहां रखना, मेरे को यहां से यहां रखना, तो बेटा क्या है, आई हैव टू पिक अप दिस पेन, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, सो आई हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। राइट नाउ ग्रेविटी इज एक्टेड एंड राइट नाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज देयर इन द पेन। पेन में अभी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको उठा के आई हैव टू कीप इट हियर, सो आई हैव टू अप्लाई द फोर्स, इट मींस दैट आई हैव टू डू द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। फॉरगेटिंग माय पॉइंट, वैसे ही अगर इधर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज कॉल्ड एज द इफिशियंट टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कॉल्ड एज द डिफिशियंट टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाइल द बैटरी और अ सेल इज कनेक्टेड इन द सर्किट, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द इफिशियंट टर्मिनल टू द डिफिशियंट टर्मिनल। जहां से डिफिशियंट, जहां में डिफिशियंसी है उधर, जहां से इफिशियंसी है ज्यादा है उधर के इलेक्ट्रॉन धीरे 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 चालू। मतलब ये बैंक है, दिस इज अ बैंक, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, ये बैंक है और ये कौन है, लोन लेने वाला है, लोन चाहिए, पैसा चाहिए। बैंक बोलेगा बहुत पैसा है, करोड़ों का पैसा है, तो बैंक बोलेगा आओ आओ हम लोन दे रहे हैं, किस्त में चुकाओ, अभी के लिए पैसा दे रहे। तो कस्टमर विल कम, वी वॉन्ट अ लोन, तो बैंक विल गिव द मनी टू द कस्टमर। तो ये दोनों भी रहना चाहिए। मैंने बैंक किया, बड़ा वाला बैंक चालू किया, जैसे HDFC है, तो मैंने MDFC किया, मेरा मराठे फाइनेंस मैंने किया। अगर कस्टमर नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेरे पास अगर कस्टमर नहीं है तो मेरे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो रोल नहीं हो पाएगा। तो जैसे यहाँ पे बैंक है तो कस्टमर भी होना चाहिए। हाँ, खाली कस्टमर है, जरूरतमंद है, मेरे को लोन चाहिए, बैंक ही नहीं है, कौन देगा पैसा, कोई नहीं दे रहा है, तो वो भी नहीं है। तो मतलब अगर बैंक है तो कस्टमर होना चाहिए, मतलब लोन देने वाला है तो लोन लेने वाला भी चाहिए। ऑन कॉन्ट्रा, मेरे पास पैसा है, मेरे को सेविंग में डालना है, सेविंग करना है उसको, और उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट लेना है, कुछ ब्याज लेना है, तो कहाँ पे तो रखना चाहिए ना। घर में रखा तो ऐसे ही नहीं बढ़ जाएगा ना। आज घर में मैंने 1 लाख रुपए रखा और अगले साल अरे 2 लाख हो गया, अरे वेरी गुड वेरी नाइस, ऐसा कभी होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको उठा के FD में डालना होगा, फिक्स डिपॉजिट में डालना होगा, सेविंग में डालना होगा, शेयर्स में डालना होगा, व्हाटएवर, म्यूचुअल फंड्स में डालना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो आपको बाद में उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अभी पैसा है तो इसको इन्वेस्ट करने के लिए कुछ तो प्रोडक्ट चाहिए। तो वैसे ही ये अगर बैटरी है तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे कुछ डिफिशियंट टर्मिनल होना चाहिए, इसीलिए इफिशियंट टर्मिनल सोर्स, इसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंक हो जाएगा। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, आई होप यू अंडरस्टूड दैट, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो इसका डेफिनेशन कैसे करते हैं, इट इज द वर्क डन बाय द बैटरी और सेल टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल। सो ये क्या है आपका, ये है आपका EMF of a cell, definition of EMF of a cell। तो क्या बन गया डेफिनेशन, इट इज द वर्क डन बाय द सेल, इट इज द वर्क डन बाय द सेल टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल, डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको,
denoted by either E or epsilon. कैसे denote करते हैं? E or epsilon. तो आप बोलोगे सर ये सब हो गया, आपने बताया हमको ये EMF है, ठीक है ये सब. एक प्रैक्टिकली कैसे देखने का, ये आइडियल डेफिनेशन हुआ, ये तो हुआ डेफिनेशन आइडियली. आइडियली क्या करना है, तो प्रैक्टिकली क्या करना है आपको, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल डेफिनेशन करने के लिए मतलब क्या है, ठीक है किसी भी बैटरी का EMF और सेल का EMF हमने लिख दिया E और Epsilon, ठीक है सब ठीक है. सर उसको कैलकुलेट कैसे करें, तो इसके लिए आपके पास सपोज एक पेंसिल सेल है, ड्राई सेल, ये कितने का होता है बेटा, कितने का होता है, 1.5 वोल्ट. तो ये जो है आप देख लेते हैं इसका 1.5 वोल्ट, ये है इसका EMF. तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली EMF को ही बोलते हैं नो लोड वोल्टेज. क्या बोलेंगे हम, नो लोड. लोड मतलब क्या, सेल को ले लो किसी भी सर्किट में, उसको ज्वाइन मत करो, तो सेल को ले लो और डायरेक्टली उसका पोटेंशियल वोल्ट मीटर से मेजर करो. टेक अ सेल एंड डायरेक्टली ट्राई टू मेजर इट्स पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ अ वोल्ट मीटर, एंड वोल्ट मीटर वॉट एवर द पोटेंशियल वोल्ट मीटर विल गिव यू दैट विल बी कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF ऑफ अ सेल. हैव यू गॉट द आइडिया? सो पहले हमें आइडियली क्या लिखा, वर्क डन बाय द बैटरी और अ सेल टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अनदर टर्मिनल. सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मूव अ चार्ज, यूनिट चार्ज इसको लिख सकते हो, वो यूनिट चार्ज W अपॉन Q, तो वो भी एक पोटेंशियल जैसा ही बन जाएगा. तो इसीलिए उसका SI यूनिट है, SI यूनिट भी वोल्ट हो जाएगा, SI यूनिट बन जाएगा इसका वोल्ट. तो मैं फिर से एक बार लेट मी टेक द ओवरव्यू. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन बाय द सेल टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल. प्रैक्टिकली कैसे करना है, प्रैक्टिकली सेल को लेना है आप, उसको कोई भी लोड नहीं ज्वाइन करना है, खाली सेल का अगर आपने पोटेंशियल मेजर किया टू टर्मिनल्स का डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर, अगर वोल्ट मीटर लेके आपने डायरेक्टली उसको कनेक्ट किया और आपने देखा उसका पोटेंशियल कितना है, दैट विल बी कॉल्ड एज द नो लोड वोल्टेज एंड दैट विल बी योर EMF. सो कौन से भी बैटरी और सेल का डायरेक्ट वोल्ट मीटर कनेक्ट करके जो वोल्टेज मेजर करते हैं उसको बोलते हैं EMF ऑफ अ सेल. तो आप बोलोगे ये सब डिफरेंट ऐसा क्यों मेजर करते हैं, इसको भी देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो क्या होता है, तो और एक चीज होती है, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आई होप यू विल गिव द आंसर, मतलब आई विल गिव द आंसर ऑन बिहाफ ऑफ यू बिकॉज यू आर देयर एट होम, बट ऑन व्हाट्सएप आई कैन आस्क फॉर द आंसर. लेकिन अभी आपको बताने के लिए, मतलब डिस्कस करने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा, तो वो आंसर डायरेक्ट नहीं हो जाएगा. आप मोबाइल अपना चार्ज करते हो बराबर, सपोज मोबाइल का बैटरी है आपका 3.5 वोल्ट, मोबाइल का बैटरी कितना है 3.5 वोल्ट. तो अगर मेरे को ये चार्ज करना है, चार्ज करना है, सो what must be this is my question, the minimum value of, what must be the minimum value of charger, बोलोगे 3.5 का है तो 3.5 लगेगा ना, मिनिमम कितना लगेगा 3.5, नहीं, नॉट एट ऑल. अगर ये 3.5 वोल्ट का है इसका मतलब मिनिमम आपको 3.5 चलेगा, नहीं चलेगा. इफ आई एम प्रोवाइडिंग ओनली 3.5 वोल्ट
that battery will not be able to charge. ये कैसे सर, ये कैसे बता रहे हो आप? उसके पीछे रीजन, तो अभी के लिए मैं बताता हूं, V minimum is, देखो, greater than, not equal, should be greater than 3.5. ये एक हुआ for charging a cell. मेरे को सेल को चार्ज करना है, तो मैंने एक लिख दिया. क्या वोल्टेज ऑफ द सेल कितना, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना है, ये है उसका ईएमएफ एप्सिलॉन. चार्ज करना है तो वी मिनिमम कितना लगेगा, ग्रेटर देन एप्सिलॉन. सो वी इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन अगर आपको सेल को चार्ज करना है. ओके, ये आप ध्यान में रखो, मैंने क्या बताया आपको. सो इसको भी सिंपली मैं लिख देता हूं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो इसको ही बोलते हैं चार्जिंग अ सेल और अ बैटरी विच विल प्रोवाइड सोर्स वोल्टेज must be greater than EMF. So V must be greater than epsilon. ये होता है. और अगर आपको बैटरी डिस्चार्ज करना है, मतलब वही 3.5 वोल्ट का सेल लिया और आपने अपने मोबाइल में डाला और सब कंपोनेंट का सब वोल्टेज वगैरह चेक किया, सब किरचॉफ्स रूल वगैरह यूज किया, सब कैलकुलेट करके V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑल कैलकुलेट किया, एडिशन किया, क्या ये 3.5 आएगा? द आंसर इज यस, द आंसर इज नो. बाल्टी में पानी है और पूरा बाल्टी आपने पूरा उसको एम्प्टी किया, किसी गमले को वगैरह पानी डालना है, पेड़ को पानी डालना, पूरा एम्प्टी किया, क्या पूरा पानी एम्प्टी होता है? Have you observed some droplets of the water will be laying over there on the surface of the bucket? Are getting a point? तो पूरा पानी होता है? नहीं, कुछ तो एक 0.1 ml तो रहेगा उसमें, एक तो बूंद रहेगा. तो जितना वाटर बकेट में है, whatever is the amount of water in the bucket, is it given totally, transferred totally from bucket to that destination? No, some milliliter, of course it's very little, that's why we are neglecting, we are saying that all the water has transferred. So like this, agar cell ko maine discharge karna hai, matlab circuit mein jodna hai, I have connected that cell in the circuit, then, so usko bolte hai discharging. Kyun? अगर हम सर्किट में सेल जोड़ते हैं, बैटरी मोबाइल का डालते हैं, तो अभी क्या करना चालू होता है, डिस्चार्ज करना चालू, इट स्टार्ट डिस्चार्जिंग. और बाद में जब हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं प्लग से चार्जर के, तो इट स्टार्ट चार्जिंग. सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, दीज आर कॉल्ड एज द साइकल्स. तो ये कंप्लीट चालू रहता है उधर. तो ये चार्जिंग साइकिल के लिए मैं क्या बोला, द सोर्स वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ अ सेल. On the other hand, अगर discharging करना है मेरे को सेल का, discharging a cell or a battery, तो क्या करना है, सेल का discharging करना है और बैटरी का discharging करना है, वहां वोल्टेज provided by cell वो कैसे होता है, less than epsilon होता है, less than EMF. जितना उसका EMF है उतना वोल्टेज वो कतई नहीं देगा. तो यहाँ पे V कैसे आता है, less than EMF. तो मैं क्या रूल बना सकता हूँ, रूल
रूल क्या हो जाएगा, V इज ग्रेटर देन इप्सिलॉन फॉर चार्जिंग, क्या बना सकता हूं मैं रूल, V इज ग्रेटर देन इप्सिलॉन फॉर चार्जिंग और V इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर डिस्चार्जिंग, वी विल बी ग्रेटर देन इप्सिलॉन फॉर चार्जिंग, वी विल बी लेस देन इप्सिलॉन फॉर डिस्चार्जिंग। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ये जो V है इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको और भी बोलते हैं शॉर्ट में टर्मिनल पीडी, पीडी मतलब पेंड्रम नहीं, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट दिस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा व्हाट इज मीन बाय द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, बाद में हमने क्या सीखा ईएमएफ कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली उसका वैल्यू कैसे आते हैं। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ईएमएफ अगर इप्सिलॉन है तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय उसको कितना वोल्टेज लगेगा और कितना वोल्टेज वो दे देगा, उसको बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर बैटरी आप चार्ज कर रहे हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है, और अगर बैटरी आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो टर्मिनल पीडी आपका कम होगा। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईएमपी डालो इसको। तो ये लिखने का कैसे है, लिखने का है मैं आपको दिखाता हूं अभी। वो दिखाने के लिए ये क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस आई हैव टू गो फॉर द सेकंड टर्म, एक्चुअली आई विल कॉल इट अ सेकंड टर्म बिकॉज़ टर्मिनल पीडी इज देयर विद एप्सिलॉन, इट इज नॉट, इट इज अ ब्रदर ऑफ ईएमएफ, ओके, द कजिन ब्रदर, दे से द ट्विन ब्रदर, नॉट कजिन, द ट्विन ब्रदर ऑफ ईएमएफ। तो ये है, तो दूसरा क्या, ये ऐसे क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस, व्हाई दिस हैपेंस द प्रॉब्लम विल बी डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो वो पढ़ते हैं, ये आपको ध्यान में है, अगर सेल चार्जिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, हाँ बोलो, यस, इफ द सेल इज चार्जिंग द टर्मिनल पीडी विल बी ग्रेटर देन इप्सिलॉन, आपको ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर सेल इज डिस्चार्जिंग तो टर्मिनल पीडी विल बी लेस, मतलब पोटेंशियल प्रोवाइडेड बाय द सेल विल बी लेस, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। व्हाई दिस हैपेंस, इट हैपेंस ड्यू टू द टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, सो वी विल गो फॉर स्टडीइंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आई होप यू अंडरस्टूड दैट ऑल। ते होने के बाद आपको मैं अपना नोट्स बना के दे दूंगा, हाँ बेटा, ओके, सॉरी। Again, I will draw a battery for you. यहाँ पे मैं बैटरी ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, फिर से ये पॉजिटिव है निगेटिव है, इलेक्ट्रोड से और इसके बीच में क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन करते, ड्राइसेल भी लिया तो उसमें भी NH4OH वगैरह जेल फॉर्म में वगैरह होता है, ये आपको केमिस्ट्री में हो जाए। इसमें से करंट कितना जाएगा, तो यहां पर बेटा क्या होता है, आउटसाइड द बैटरी और सेल, ओके, आई विल बी टेकन फ्रॉम कैसे, निगेटिव टू
पॉजिटिव। पहला पॉइंट, अगर आउटसाइड द सेल देखा आपने तो आई, आई मतलब नॉट आई, आई मतलब करंट, करंट विल बी टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। तो अगर हम बोल रहे हैं द कन्वेंशनल डायरेक्शन आउटसाइड द बैटरी विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल, ये कौन सा डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये कन्वेंशनल डायरेक्शन हम लेते हैं आउटसाइड द बैटरी इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनसाइड द बैटरी ऑल्सो देयर इज अ डायरेक्शन, इनसाइड द सेल करंट विल बी टेकन ऑफकोर्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर यहां से यहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सॉरी यार, सॉरी, चार्ज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव नेगेटिव इनसाइड, बिकॉज़ वी हैव टू कंप्लीट द सर्किट, सो कंप्लीट द सर्किट के लिए आउटसाइड करेंगे, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटसाइड ही जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अगर ऐसे जाएगा तो इधर से नीचे आएगा और ऐसे आएगा और ये सर्किट कंप्लीट होगा। In order to complete the circuit, inside it should be from negative to positive. तो मतलब इसका मतलब क्या है? Important is charge will flow through electrolyte also. Charge will also flow through cell. Means इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, जेल होता है, ओके, वो फॉर्मेट में चार्ज को जा रहा है। तो अभी हम माइक्रो लेवल में जाते हैं, अभी हम जाते हैं माइक्रो लेवल, और माइक्रो लेवल में जाके इसका स्टडी करने के लिए ट्राई करें। तो माइक्रो लेवल में इसका स्टडी क्या हो जाएगा, तो अगर माइक्रो लेवल में हम जाते हैं तो क्या होता है, यहां से अगर हम बोलते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, बाद में पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर भी जाए और ये सर्किट कंप्लीट हो जाए, तो चार्ज फ्लो हो जाए। सो सेल में क्या होता है, सेल में होता है आयन फॉर्मेशन, ओके, आफ्टर कनेक्शंस क्या होता है, आयन फॉर्मेशन स्टार्ट्स, दैट इज कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन फॉर्मेशन स्टार्ट। अब ये फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, अगर अपने चार्ज को, चार्ज हैज टू मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रोलाइट, तो अपने चार्ज को क्या होना पड़ेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो अपोजिट टाइप का चार्ज दूसरे इलेक्ट्रोड पे ऊपर फॉर्म हो जाएगा, सॉरी सेम टाइप का चार्ज अपने अपने इलेक्ट्रोड पे चार्ज हो जाएगा, अपोजिट टाइप का, तो अगर अपोजिट टाइप का चार्ज उधर ही चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या होता है, अगर उसको इलेक्ट्रोलाइट में से जाना होता है तो कुछ एनर्जी उसको उधर ड्रॉप करना पड़ता है, द चार्ज हैज टू डू, therefore क्या होता है, that's why, therefore मैं क्या लिखूंगा, therefore charge has to do the work to move inside,
तो जो वर्क चार्ज करता है, चार्ज तो कुछ एंटिटी नहीं है ना, चार्ज को खुद का कुछ नहीं है। अगर चार्ज को खुद का कुछ नहीं है मतलब चार्ज को आपको देना पड़ेगा। इट इंप्लाइज दैट दैट इज बैटरी हैज टू परफॉर्म सम वर्क टू मूव चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके लिए जो टोटल ईएमएफ है उसमें से टोटल ईएमएफ में से कुछ जो पोटेंशियल है वो खर्च करना पड़ता है बैटरी को। क्यों खर्च करना पड़ता है? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो कभी भी आपको वर्क डन करना पड़े तो कब करना पड़ता है? जब आपका करंट खाता है, वो करंट को अपोज करता है। ये है सपोज रेजिस्टर, यहां से करंट जा रहा है, यहां पे उसको अपोज हो रहा है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। अगेन लिख देता हूं, आपका एक सर्किट है, सर्किट में एक रेजिस्टर है, यहां से करंट जा रहा है आपका आई और ये रेजिस्टेंस आर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका वी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। इसीलिए आपका टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन इप्सिलॉन। क्यों होता है? क्योंकि आपका टोटल इप्सिलॉन बनेगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए ये आप लिख सकते हो, आप यहां नोट डाउन कर सकते हो, मैं आगे जाता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इटसेल्फ वंस इट इज डिस्चार्जिंग। तो इन द सर्किट व्हेन वी आर कनेक्टिंग द बैटरी, सो इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी और सेल इटसेल्फ, इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी और सेल इटसेल्फ। तो अभी दिखाने का कैसा? दिखाने के लिए यहां पे अगर ये बैटरी है तो ये इसको लिखूंगा मैं स्मॉल आर, इट इज डिनोटेड बाय से स्मॉल आर। तो ये अगर मेरा बैटरी है, यहाँ पे करंट जाएगा, करंट कितना जाएगा? आई जाएगा, ये मेरा ईएमएफ है। तो यहाँ पे अगर आई लिखा तो अभी हम लिख सकते हैं, अभी हम लिख सकते हैं नंबर वन क्या लिख सकते हैं? V प्लस आई आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन, मतलब जो आप प्रोवाइड करते हो तो वो टर्मिनल पोटेंशियल प्लस टोटल करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर चार्जिंग। देखो अभी V में कुछ तो ऐड कर रहे हैं इप्सिलॉन मिलाने के लिए, दैट इज, और क्या मैं लिख सकता हूं? V इज लेस, सॉरी पहले मैं लिख देता हूं, इप्सिलॉन इज इक्वल टू, सॉरी V इज इक्वल टू से इप्सिलॉन माइनस आई आर, इंप्लाइज क्या हो जाएगा? V इज लेस देन इप्सिलॉन। ये कब हो जाएगा? व्हाइल वी आर चार्जिंग द सेल। अगर सेल को मैं चार्ज कर रहा हूं तो मेरे को मिलेगा V प्लस आई आर इज इक्वल टू इप्सिलॉन, तो V विल बी इप्सिलॉन माइनस आई आर। उसके ईएमएफ से कितना पोटेंशियल आप सब्ट्रैक्ट करो? जितना करंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। सो ये इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और अ सेल। अगर आप ये हुआ चार्जिंग के लिए, सॉरी नॉट चार्जिंग, वेरी सॉरी, ये डिस्चार्जिंग के लिए।
लिखते समय गड़बड़ होता है, मतलब जब जब आप वो सेल सर्किट में लगाते हो। अभी आपको वो सेल चार्ज करना है, वो सेल चार्ज करना है, तभी क्या हो जाएगा, आप उसको पोटेंशियल दे दोगे, उसमें से आई इंटू आर ये पोटेंशियल ड्रॉप कहां पे जाएगा, उस सेल को नहीं मिलेगा, वो मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, और आपको मिलेगा आपका एप्सिलॉन। ये कब होगा, व्हाइल चार्जिंग। सो अगर आप चार्जिंग कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, V माइनस आई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर। अगर V इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर है, मतलब V इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन। तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि व्हाइल चार्जिंग कैसे V इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, और व्हाइल डिस्चार्जिंग कैसे V इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन होता है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, और अभी हम ये लेक्चर में इतना ही अभी काफ़ी है। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रुपिंग, सीरीज पैरेलल एंड मिक्स ग्रुपिंग। देन मैंने आपको बताया था KCL, KVL भी बताया था करंट के लिए, तो करंट रूल, किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। उसके बाद में हमने सीखा है क्या क्या सीखा है अभी, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल PD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। तो फिर से एक बार हम उसका रिकैप लेते हैं। EMF क्या होता है, इट इज द वर्क डन बाय अ बैटरी और अ सेल, वर्क डन बाय अ सेल टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन और ई। उसका ऐसा यूनिट कितना होता है, वोल्ट होता है। प्रैक्टिकली वो कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली इप्सिलॉन इज कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग द नो लोड वोल्टेज। बाद में क्या होता है, टर्मिनल PD, इसको बोलेंगे हम टर्मिनल PD। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इटसेल्फ। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द theoretical aspect of the internal resistance and EMF. So next, maybe I'm thinking for making some problem solving videos also. So today I may be giving you, otherwise tomorrow we will have different problem solving session of 1 hour. So you be ready for that today or tomorrow. So in that problem solving, I will try to take some special problems so that you will get to get a read of that, and that will be beneficial for your all the exams for the solving of problems. So thanks a lot for watching my lecture carefully. So have a good day, and best of luck for next subjects. Do your study nicely. Thank you. Bye bye.